हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विकास लाइफ केयर पर चर्चा करूंगा। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विकास लाइफ केयर लिमिटेड जिसका कि मार्केट कैप 637 करोड़ का है, करेंट प्राइस 4.45 रुपया, 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपया और 2.66 रुपया, स्टॉक भी कुछ भी नहीं शो हो रहा है, बुक वैल्यू 2.45 रुपया, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है, ROC ROE माइनस में है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का देखते हैं तो माइनस में 10.2% है और रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो माइनस में 10.1% है। ये पिछले कुछ दिनों से डाउन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके वजह से है। रिटर्न ओवर 6th मंथ का अगर देखते हैं 41.3% का है, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का देखते हैं तो 45.9% का है। PEG रेशियो भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इंटरप्राइजेज वैल्यू 657 करोड़ का है, प्राइस टू सेल्स 1.36 है। इसका 1 ईयर का चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये थोड़ा स्थिर होने का कोशिश कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेट मोड में जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है ग्लोबल मार्केट में, जिसके कारण से इसको भी संभलने में टाइम लगेगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेका अनुसार ही करें। इसमें प्रोज 3 है और कॉन्स 3 है, बराबर बराबर दोनों हैं, कॉन्स कुछ खास है नहीं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो, 11.40% है प्रमोटर के पास में, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड लास्ट 3 ईयर्स में माइनस 42.1%। पीयर कंपेरिजन, जैसा कि 112 कंपनी है जिसके मार्केट कैप के बराबर है इसका, अन्यथा उससे कम है। पीयर कंपेरिजन का मतलब यही मुझे समझ में आता है। क्वार्टरली रिजल्ट तो सितंबर 2023 का सेल्स 1 बेटर तो नहीं लेकिन गुड कहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा बढ़ा है, 116.03 करोड़ का सेल्स किया। एक्सपेंस भी बढ़ा है उसी के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर के अपेक्षा 3 पैसा कम है, यानी कि 5 पैसा है। तो कंपनी ने सेल्स तो बढ़ा दिया है, एक्सपेंस भी बढ़ाया है, तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी आगे चल के कुछ ना कुछ तो कर सकता है, यानी कि बड़ा बन सकता है। 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि किसी भी कंपनी का फ्यूचर सही से बता सके। इस कंपनी के पास 208 करोड़ का रिजर्व है, शेयर कैपिटल 144 करोड़ का, ब्रोइंग है 26 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 79 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटीज 457 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट अब ये बढ़ा दिया है, 89 करोड़ का हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है, 457 करोड़ का हो चुका है अभी टोटल एसेट, नेट कैश फ्लो प्लस में है 2 करोड़ का, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है,
एकाध करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रमोटर के पास में 11.40% है, एफआईआई के पास में 0.02% है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास में 88.59% है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5,44,435 है। इसमें तत्काल में कोई भी न्यूज नहीं है, ये 19 अक्टूबर का पुराना ही न्यूज हो चुका है जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस शेयर का अगर मैक्सिमम प्राइस देखते हैं तो मैक्सिमम प्राइस 17 रुपया 1 पैसा बता रहा है 28 अगस्त 2020 स्क्रीनर के वेबसाइट पे। उसके बाद से लगातार डाउन में ही रहा है, थोड़ा अप हुआ है, फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया है। 21 जनवरी 2022 को 7 रुपया 90 पैसा पर गया और उसके बाद में 6 रुपया पर गया 15 सितंबर 2023 को। ये सेट किया हुआ प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस तो एक साल पहले मतलब एक साल के अंदर में 7 रुपये 5 पैसा पर गया था। तो अभी तो ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, हो सकता है इस शेयर पर भी उसका इफेक्ट पड़े और पड़ भी सकता है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र डालें, वैश्विक बाज़ार से संबंधित कुछ न्यूज यानी समाचार जो कि आज का है। तेल स्थिर है क्योंकि बाज़ार की नज़र मध्य पूर्व तनाव, अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में वृद्धि पर है। तो दूसरा है, अमेरिकी शेयरों में गिरावट जारी, एन प्रमुख स्तर से गुजरा। अब चीन पर है, चीन के बाजार पे, चीन की प्रोत्साहन योजना के बीच एशिया के शेयरों में तेजी आई, ये 25 अक्टूबर का है। आज का स्टॉक मार्केट जो कि बीएसई सेंसेक्स 901 पॉइंट डाउनफॉल हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये देखिए चार्ट पे 63,478.56 से डाउन हुआ है, बीच में थोड़ा अप हुआ है 63,497 पे गया, उसके बाद में जो डाउन होते गया क्लोजिंग 63,144.07, 15:30 का टाइमिंग है। ऐसे करंट में 63,148 पे है बीएसई सेंसेक्स, एनएसई इंडिकेस, निफ्टी 50 264.90 पॉइंट डाउन हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 424.15 पॉइंट डाउन हुआ, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट तो ये भी डाउन हुआ है 155 पॉइंट और निफ्टी बैंक 551 पॉइंट डाउन हुआ है। इस तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल भी जो कि 301 पॉइंट डाउन हुआ है। आज का क्लोजिंग जो है एनएसई का यानी कि निफ्टी 50 का तो वो है 18,857.25, यानी कि इतने पर निफ्टी 50 क्लोजिंग हुआ है। ओपन हुआ था 19,027
और हाई बनाया 19,041 और लो बनाया 18,837। हालांकि लो से थोड़ा ऊपर में क्लोजिंग दिया है। ये देखिए मार्केट में तबाही आ चुका है, कल भी डाउन हुआ था लेकिन आज की तबाही ज़्यादा ही है। मार्केट पर खतरा मंडराने का कारण एक ये भी हो सकता है कि इजराइल हमास युद्ध लाइव, यानी कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है ये भी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट को। इसमें न्यूज है, थोड़ा सा इस पेज पर भी जो कि सारांश लिखा हुआ है इस पर भी ध्यान दें। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ गाजा में काम करने वाली मुख्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि ईंधन की कमी के कारण उसे आज बाद में अपना संचालन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी सैन्य सलाहकार इजराइल से चौतरफा जमीनी हमले से बचने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को सैनिकों को बताते दिखे कि जमीनी हमला अभी भी जारी है। इजराइल हमास युद्ध पर लाइव अपडेट। इजराइल रक्षा बलों का कहना है कि उसने हमास के उत्तरी खान यूनिस रॉकेट सारणी के प्रमुख हसन अल अब्दुल्ला पर हमला किया और उसे मार डाला। आईडीएफ का कहना है कि सीन बेट सुरक्षा एजेंसी और सैन्य खुफिया निदेशालय द्वारा एकत्र की गई अल अब्दुल्ला के ठिकाने की खुफिया जानकारी के बाद हवाई हमला किया गया था। इसमें कहा गया है कि लड़ाकू विमानों ने आज हमला किया और हमास के कई सदस्यों को मार डाला और गाजा पट्टी में आतंकवादी समूह से संबंधित कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो ये भी न्यूज़ पर नज़र डालना चाहिए। ये जो वेबसाइट का नाम है ऊपर में लिखा हुआ है cnbctv.com, ये इन पर न्यूज है। इजराइल हमास युद्ध लाइव। हमास का कहना है कि गाजा में मरने वालों की संख्या 7,000 के पार हो गई है। इसका विस्तार जो कि दिया हुआ है उसमें वीडियो को पॉज करके देख ले, पढ़ ले। दूसरा है इजराइल हमास युद्ध लाइव। तेल अवीव क्षेत्र में रॉकेट दागे गए। तीसरा है इजराइल हमास युद्ध लाइव। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में रात भर छापेमारी कर हमास के 46 सदस्यों को हिरासत में लिया। इस तरीके से उसके आगे है व्यापक जमीनी घुसपैठ की आशंका के बीच इजरायली सैनिक थोड़े समय के लिए गाजा में दाखिल हुए। इस पर भी डिटेल है। फिलिस्तीनियों ने खान यूनिस में हमलों का प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल हमास युद्ध को संबोधित करने में फिर विफल रहे। और प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। तो इस तरीके का तो न्यूज है। आज ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डो जोन्स फ्यूचर्स
कितना परसेंट, कितना पॉइंट डाउन हुआ है। ठीक, ये 26 अक्टूबर का ही है। S&P 500 ये भी डाउन हुआ है, नाजडैक भी डाउन हुआ है, अच्छा खासा परसेंटेज इतना है 2.43। सोच सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है अभी। एशियन मार्केट में तो उसी तरीके से है, गिफ्ट निफ्टी के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन निक्केई 225 668 पॉइंट डाउन हुआ है। स्ट्रैट्स टाइम्स ये भी डाउन हुआ है, मतलब हर मार्केट वर्ल्ड का जो कि डाउन हुई हुआ है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मार्केट और डाउन जाएगा, तो इस शेयर के प्राइस में भी हो सकता है डाउन ट्रेंड बने, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं। बाकी जानने के लिए अगले दिन वेट कीजिए, क्या होता है क्या नहीं खुद ही पता चल जाएगा। अब मैं इसी पर वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।